दोस्तों मैं इस्माइल खान, इस वीडियो में मैं आपको डबल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग सिखाऊंगा। कंप्लीट वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। जिनको ये वायरिंग आती है वो इस पर कमेंट ज़रूर करें। जैसा कि आप जानते हैं, ये रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होता है। रेफ्रिजरेटर की कंप्रेसर में लगी मोटर, डिफ्रॉस्ट हीटर, इवापोरेटर फैन और रोशनी के लिए लगा हुआ लैंप इसके मेन कंपोनेंट होते हैं। सभी कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए इसमें कई तरह के कंट्रोल्स और स्विचेस लगी होती हैं, जैसे डिफ्रॉस्ट टाइमर, थर्मोस्टेट स्विच, बाईमेटल, थर्मल फ्यूज, डोर स्विच, ओवरलोड प्रोटेक्टर और रिले। आइए इसके कंपोनेंट की मैकेनिज्म को समझते हैं। कूलिंग मोड में जब कंप्रेसर चल रहा होता है तो फ्रिज के इवापोरेटर कॉइल पर कूलिंग होती है। इवापोरेटर की इस कूलिंग को इवापोरेटर फैन फ्रिज के फ्रीजर और कैबिनेट में सर्कुलेट करता रहता है। ठंडक ज़्यादा होने पर इवापोरेटर कॉइल के ऊपर बर्फ़ जमा हो जाती है। इस बर्फ़ को पिघलाने के लिए डिफ्रॉस्ट हीटर लगा होता है। फ्रिज के कैबिनेट में रोशनी के लिए लैंप लगा होता है। आइए इसके कंट्रोल्स को समझते हैं। लैंप को ऑपरेट करने के लिए डोर स्विच लगी होती है। कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट स्विच होता है। टाइमर के हीटिंग मोड में डिफ्रॉस्ट हीटर पर सप्लाई बाईमेटल के जरिए पहुंचती है। डिफ्रॉस्ट हीटर के लगातार ऑन रहने पर थर्मल फ्यूज इसकी सर्किट को ब्रेक कर देता है। रिले कंप्रेशर मोटर के स्टार्ट होने के बाद इसकी स्टार्ट वाइंडिंग की सप्लाई को ब्रेक कर देता है, लेकिन रन वाइंडिंग को लगातार सप्लाई देता रहता है। कंप्रेशर में ओवर करंट जाने या इसके ओवर हीट होने पर ओवरलोड प्रोटेक्टर सप्लाई को ब्रेक कर देता है, जिससे कंप्रेशर सेफ हो जाता है। फ्रिज को कूलिंग मोड या हीटिंग मोड में ज़रूरत के हिसाब से ऑपरेट करने के लिए डिफ्रॉस्ट टाइमर लगा होता है। डिफ्रॉस्ट टाइमर को ध्यान से समझ लीजिए। सभी रेफ्रिजरेटर के टाइमर दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, पर सभी का काम एक जैसा होता है। ये टाइमर अपनी कंपनी की सेटिंग के हिसाब से 8 घंटे या 10 घंटे कूलिंग मोड में रहते हैं और 10 से 20 मिनट तक ज़रूरत के हिसाब से हीटिंग मोड में रहते हैं। टाइमर में 4 पिन होती है, जिनके नंबर 1, 2, 3, 4 होते हैं। अलग अलग टाइमर में इन नंबरों की पोजीशन इधर उधर हो सकती है। जिस नंबर की पिन का जो काम है वो कभी नहीं बदलेगा, इसलिए इन्हें याद कर लीजिए। 3 नंबर पिन की पोजीशन कहीं हो, थर्मोस्टेट से आने वाली फेस सप्लाई पिन नंबर 3 पर ही आएगी। मतलब 3 नंबर पिन टाइमर में फेस सप्लाई आने का इनपुट टर्मिनल है। जब टाइमर कूलिंग मोड में होता है तो 3 नंबर पिन पर आने वाली फेस सप्लाई टाइमर के 4 नंबर पिन से निकलती है। टाइमर के 4 नंबर पिन से निकलने वाली फेस सप्लाई कंप्रेसर और इवापोरेटर फैन को जाती है। जब टाइमर हीटिंग मोड में होता है तो 3 नंबर पर आने वाली फेस सप्लाई टाइमर के 2 नंबर पिन से निकलती है। टाइमर के 2 नंबर पिन से निकलने वाली फेस सप्लाई बाईमेटल से होकर डिफ्रॉस्ट हीटर तक जाती है। टाइमर के 1 नंबर पिन पर न्यूट्रल आता है, जो टाइमर में लगी मोटर को जाता है। टाइमर की इस मोटर को फेस इसके 3 नंबर पिन से ही मिलता है। इस तरह 3 नंबर पिन टाइमर में फेस आने के लिए, 4 नंबर पिन कूलिंग मोड में फेस जाने के लिए, 2 नंबर पिन हीटिंग मोड में फेस जाने के लिए, 1 नंबर पिन टाइमर मोटर में न्यूट्रल आने के लिए होती है। फेस सप्लाई जब 4 नंबर पिन से निकलती है तो 2 नंबर ऑफ रहता है। जब फेस सप्लाई 2 नंबर से निकलती है तो 4 नंबर ऑफ रहता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सभी कंपोनेंट्स जैसे कंप्रेसर, इवापोरेटर फैन, डिफ्रॉस्ट हीटर, लैंप और टाइमर की मोटर को फेस और न्यूट्रल मिलना चाहिए। इसके लिए सभी कंपोनेंट्स को इसके कंट्रोल्स और स्विचेस से सिस्टमेटिक कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल को सभी कंपोनेंट से कुछ कंट्रोल्स के साथ कनेक्ट करते हैं।
न्यूट्रल लैंप के एक पिन में कनेक्ट करते हैं, जिससे लैंप को न्यूट्रल मिल जाता है। अब न्यूट्रल को इवापोरेटर फैन के एक वायर से कनेक्ट करते हैं, जिससे इवापोरेटर फैन को भी न्यूट्रल मिल गया। अब इस न्यूट्रल को रिले से कनेक्ट करते हैं, जिससे न्यूट्रल कंप्रेसर की रन और स्टार्ट वाइंडिंग में ज़रूरत के हिसाब से पहुंच गया। अब न्यूट्रल को थर्मल फ्यूज से और थर्मल फ्यूज को डिफ्रास्ट हीटर से कनेक्ट कर देंगे, जिससे न्यूट्रल डिफ्रास्ट हीटर को मिल गया। डिफ्रास्ट हीटर के दूसरे सिरे को डिफ्रास्ट टाइमर की एक नंबर पिन से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे टाइमर की मोटर को डिफ्रास्ट हीटर के सीरीज में न्यूट्रल मिल जाता है। फेस को डोर स्विच से और डोर स्विच को लैंप से कनेक्ट कर देंगे, जिससे लैंप की सर्किट कंप्लीट हो गई। लैंप की सर्किट फ्रिज के दूसरे कंपोनेंट्स की सर्किट से अलग होती है। फेस को थर्मोस्टेट से और थर्मोस्टेट को डिफ्रास्ट टाइमर की इनपुट पिन 3 नंबर से कनेक्ट कर देंगे। थर्मोस्टेट कूलिंग को कंट्रोल करने के साथ साथ मेन स्विच की तरह काम करता है। थर्मोस्टेट के ऑफ होने पर लैंप को छोड़कर सभी कंपोनेंट में फेस सप्लाई रुक जाती है। थर्मोस्टेट से डिफ्रास्ट टाइमर की 3 नंबर पिन पर पहुंचने वाली फेस सप्लाई डिफ्रास्ट टाइमर की मोटर को मिलती रहती है, जिससे कूलिंग मोड में टाइमर मोटर लगातार चलती रहती है। डिफ्रास्ट टाइमर कूलिंग मोड में हो तो 3 नंबर और 4 नंबर आपस में कनेक्ट रहता है। टाइमर के 4 नंबर पिन से फेस इवापोरेटर फैन के एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे इवापोरेटर फैन की सर्किट कंप्लीट हो गई। टाइमर के 4 नंबर पिन से निकलने वाली फेस सप्लाई को ओवरलोड प्रोटेक्टर से भी कनेक्ट करते हैं और ओवरलोड प्रोटेक्टर से होता हुआ फेस कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल पर पहुंचता है। इस तरह से कंप्रेसर की सर्किट भी कंप्लीट हो गई। इसका मतलब कूलिंग मोड में जब कंप्रेसर ऑन होता है तो इवापोरेटर फैन भी ऑन रहता है। कंप्रेसर के चलने पर फ्रिज के इवापोरेटर कॉइल पर कूलिंग होती है। इवापोरेटर की इस कूलिंग को इवापोरेटर फैन फ्रीजर में और इसके नीचे के कैबिनेट में सर्कुलेट करता रहता है। डिफ्रास्ट टाइमर सेटिंग के हिसाब से 8 या 10 घंटे कूलिंग मोड में रहता है, जिससे इवापोरेटर कॉइल पर बर्फ भी जम जाती है। कूलिंग मोड का टाइम पूरा होने पर डिफ्रास्ट टाइमर हीटिंग मोड में आ जाता है। हीटिंग मोड में आने पर 3 नंबर पिन पर आने वाली फेस सप्लाई का कांटेक्ट 4 नंबर पिन से अलग होकर 2 नंबर पिन से कनेक्ट हो जाता है, जिससे कंप्रेसर और इवापोरेटर फैन को जाने वाली फेस सप्लाई रुक जाती है और ये ऑफ हो जाते हैं। 4 नंबर पिन का कांटेक्ट अलग होते ही 3 नंबर पिन टाइमर के 2 नंबर पिन से कनेक्ट हो जाती है। यहाँ ध्यान से समझिएगा, कूलिंग मोड में इवापोरेटर के पास का टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है और यहाँ मौजूद बाईमेटल इसके ठंडक की वजह से ऑन पोजीशन में रहता है। डिफ्रास्ट टाइमर के 2 नंबर पिन से निकलने वाली फेस सप्लाई बाईमेटल से होती हुई डिफ्रास्ट हीटर के उस सिरे पर पहुँचती है, जहाँ से अभी तक हीटर के सीरीज में न्यूट्रल सप्लाई डिफ्रास्ट टाइमर की मोटर तक जाने के लिए टाइमर के 1 नंबर पिन से कनेक्ट रहता है। डिफ्रास्ट हीटर के इस सिरे पर फेस के पहुंचने पर हीटर के दोनों सिरों पर फेस और न्यूट्रल के होने से ये एनर्जाइज होकर गर्म होने लगता है। डिफ्रास्ट हीटर के ऑन रहने पर इसके सीरीज से गुजरने वाला न्यूट्रल अब टाइमर के 1 नंबर पिन पर नहीं पहुंचता। बाईमेटल के ऑन रहने से 2 नंबर पिन से आने वाला फेस डिफ्रास्ट हीटर के साथ साथ 1 नंबर पिन से होता हुआ टाइमर मोटर को मिलने लगता है। इस तरह टाइमर मोटर के दोनों सिरों पर फेस सप्लाई होने से ये रुक जाती है। लगभग 10 से 20 मिनट में डिफ्रास्ट हीटर की गर्मी से इवापोरेटर की बर्फ पिघल जाती है और इवापोरेटर के आसपास का टेम्परेचर +5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने लगता है। +5 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचते ही वहाँ मौजूद बायोमेटल ऑफ हो जाता है, जिससे टाइमर के 2 नंबर पिन से आने वाली फेस सप्लाई का डिफ्रास्ट हीटर पर पहुंचना बंद हो जाता है और डिफ्रास्ट हीटर ऑफ हो जाता है। डिफ्रास्ट हीटर के ऑफ होते ही हीटर को आने वाला न्यूट्रल इसकी सीरीज से होता हुआ टाइमर की 1 नंबर पिन से टाइमर की मोटर तक पहुंच जाता है। टाइमर मोटर के ऑन होते ही डिफ्रास्ट टाइमर एक बार फिर से कूलिंग मोड में आ जाता है और 3 नंबर पर आने वाली फेस सप्लाई 4 नंबर पिन से कनेक्ट हो जाती है।
इस तरह से रेफ्रिजरेटर में कूलिंग मोड और हीटिंग मोड यूं ही बार बार बदलता रहता है। उम्मीद है कि अभी तक की वायरिंग आप समझ गए होंगे। इस वायरिंग में लगे हुए एक कंट्रोल का काम समझना अभी बाकी है, वो है थर्मल फ्यूज। बायमेटल की कंटिन्यूटी बनी रहे या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिससे डिफ्रॉस्ट हीटर को लगातार फेस सप्लाई मिलती रहे, तो डिफ्रॉस्ट हीटर लगातार गर्म होगा। इससे फ्रिज की फाइबर की बॉडी जल सकती है। फ्रिज के अंदर इतनी गर्मी बढ़े, इससे पहले ही 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह थर्मल फ्यूज जल जाता है और डिफ्रॉस्ट हीटर को जाने वाली न्यूट्रल सप्लाई रुक जाती है। उम्मीद है आप डबल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।